हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है। तो इसका आंसर होगा आयरन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। आपने प्रकाश का परिवर्तन पर एक वीडियो देखा होगा तो आपको प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जब पानी के पृष्ठ पे मुड़ा हुआ दिखाई देता है कागज, ठीक है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे से। मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डीपली एक वीडियो बनाकर बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। तो हाइड्रा में हमारा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है। तो धुआं और कोहरे का मिश्रित रूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को समानता सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। ओके, जब भी किसी वस्तु पर द्रव से रिलेटेड, मतलब कि द्रव द्वारा अगर किसी पे दबाव डालेंगे तो उसकी जो गहराई होगी वो क्या होगा, बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रेंड्स कि जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उनके होने का कारण वायरस है, क्योंकि वायरस भी कभी भी एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो वो होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। आपने आसवन पढ़ा है, तीन चार आसवन होते हैं, ठीक है, तो इसमें से प्रभाजी आसवन के द्वारा अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम को ऑयल प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, फ्यूज। ठीक है, जो हमारा फ्यूज होता है वो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप से रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधा द्वारा किया जा सके, तो इसका आंसर है राइजोबियम। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा घर्षण बल होता है वो द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल की डेफिनेशन होती है कि दो तलों के बीच कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, लोहा और कैल्शियम। ठीक है, लोहा और कैल्शियम लड़कियों को भरपूर भोजन खाने में की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोहे में आयरन होता है, ठीक है, जिसको आप फार्मूला होता है Fe, और कैल्शियम Ca। ओके, तो उनको भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा, लोहे और कैल्शियम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंवले में एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है जो खट्टा होता है, एंड आंवला हमारे लिए बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा, ठीक है,
वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कह सकते हैं आप, है जो हमारे माइंड को भी काफ़ी प्रभावित, मतलब कि काफ़ी तेज बढ़ाने की कोशिश करता है, और इससे हमें विटामिन सी मिलता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह, अगर आपसे कोई पूछे कि छल्ले वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शनि। ओके, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, किसमें? तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में लोहे में लगने वाली जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का, जिसका सूत्र होता है फ्रेंड्स Cl, और इसको इसका अनुक्रमांक होता है 17। ओके, ये एक एलिमेंट्स है। ओके, और तो पानी को जो विसंक्रमित होने से ये रोकता है, मतलब खराब होने से रोकता है, कौन? क्लोरीन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। समुद्री हवा किसका परिणाम होता है? तो संवहन का, संवहन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 7 रंग उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छाया बनने का क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में यात्रा करती है, और इसी वजह से पीछे का जो पार्ट होता है उसकी छाया बनती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर भी प्रजनन करता है, उसे आप क्या कहते हो? वायरस। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो परपोषित जीव होने के कारण भी शरीर के अंदर ही प्रजनन करता है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर करिएगा, ऑनलाइन करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जरूर ही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ, हमने इस वीडियो को देखा था और इस वीडियो से हमारा क्वेश्चन फंसा है। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए गुड बाय।